हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज का व्लॉग है रक्षाबंधन का। तो इसमें हम मम्मी सबसे पहले भगवान जी को राखी चढ़ा रही हैं। तो हमारे यहाँ से होता है, पहले भगवान जी को चढ़ जाती है, फिर हम लोग एक एक करके सबको बांधते हैं। तो इस बार का रक्षाबंधन बहुत ही अच्छा था, क्योंकि सब लोग साथ में थे और मैंने अपने भाई को बहुत मिस किया और मैंने उसे राखी भेज दी थी, क्योंकि वो आ नहीं सकता था। ऑब्वियसली सबका ऑफिस रहता है, तो राखी बांध दी थी वो, उसने राखी बांध ली थी। मेरे से वीडियो कॉल पे बात हो गई थी। यहाँ पे शिकू की कोई इनकी कोई बहन नहीं है, तो मम्मी इनको राखी बांध देती है। तो मम्मी ने इनको राखी बांधी और फिर एक एक करके हम सब ने दूसरे को राखी बांधी। आप आगे देखेंगे, पहले फिर आज रक्षाबंधन है और मैं राखी बांध रहा हूँ। ऐसे करो, हैंड ऐसे करो, इधर करो। मेरी मम्मी वही रखी डिब्बे पे। हर हर इंसान एक दूसरे की रक्षा कर सकता है। जरूरी नहीं है भाई और बहन, तुम तो उनकी रक्षा ना हो। इधर आ, इधर आ। गाइस ऐसे नहीं, फिर हमने कैसे बोला वीडियो का साइज? गाइस ऐसे, ये देखो गाइस, ये देखो मम्मी ऑलिव ऑयल ले गई। दादी कुकर थोड़ा गंदा हो गया है, इसको कुकर में मसाला लग गया है। और ये है मेरी दादी, पर्पल कलर का भाई। देखो ये है किचन, बहुत धूल लग रही होगी। ये मेरे बाबा मूवी देख रहे हैं। बाबा हेलो करो। हेलो भैया, हेलो। ये देखो मूवी, ये देखिए गाइस, मेरे पापा के पास झूली है। ये ले, ये मेरे पापा के पास। ये लो, ये लो, देखो पापा क्या कर रहे हैं। ये पापा मेरे मीटिंग कर रहे हैं, वो मूवी चल रही है। तो मम्मी क्या बन रहा है राखी में आज? आज छोले बन रहे हैं। हाँ। और शाही पनीर। हाँ। कचौड़ी, रायता और पुलाव। हाँ, भरवा कचौड़ी बन रही है, जिसकी यहाँ पे मम्मी ने दाल पीस दी है। और कचौड़ी यहाँ पे छोले के लिए, छोले उबल चुके हैं और मम्मी यहाँ पे बना रही है। बाकी मेन मेन चीज़ मम्मी बना रही थी, साइड डिशेज हम बनाए। और बस यहाँ हमारा राखी का हो चुका है। राखी बांध ली सब ने, राखी दिखाई है सब। पापा ने भी बांध ली। हाँ, शिगु ने भी बांध ली, पापा ने भी बांध ली। हाँ, भैया की राखी में लाइट भी जलती है ना। हाँ। इस राखी में लाइट जलती पता है, जो बुआ ने भेजी है। आज बार बार लाइट जा रही है, भी आ जाएगी। तो अभी किचन में बन रहा है छोले। ये तो छोले तो उधर बन गए, तो पनीर का। और ये क्या बन रहे हैं? ओ, आज ये बन रहे हैं सलाद। मसाला भून रहा है और सलाद मम्मी बना रही है। इसमें पनीर डालेंगे, मलाई डालेंगे, सब कुछ डालेंगे। तो वो अच्छी आ रही है। अभी सलाद कंप्लीट है।
इनकम्प्लीट है। चलो सही। मम्मी अभी आपको कितनी देर लगेगी? और थोड़ी देर लगेगी, भी मसाला हो जाए। भूख लग रही है? हाँ मुझे तो बहुत लग रही है। वो उससे वो जो क्या होता है क्या? वो खुशबू। हाँ उससे बहुत अच्छी। दो मिनट नहीं, 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट और दादी का भी हो जाएगा। दादी को मेरी दादी को देख लो। सलाद की तैयारी कर रहे हैं। इधर को सलाद बना रहे हैं। सलाद दिखाओ। सलाद देख लो, ये लच्छे वाला सलाद है दादी जी। ये दुख चावल अभी इनकम्प्लीट है। तो अभी यहाँ पे पनीर बन गया है। यहाँ पे मैं पुलाव बना रही हूँ। मम्मी यहाँ पे ऑलिव ऑयल डाल रही हैं। और अब क्या बनाएंगी मम्मी? अब कचौड़ी बनाएंगे और पूड़ियाँ बनाएंगे। हाँ। को भूख लगी है तो उसके लिए दो पूड़ी पहले बना देते हैं। हाँ फिर उसके बाद हम आटा गूंदेंगे। फिर उसके बाद कचौड़ी का आटा रखा बनेगा, तो वो दूसरा आटा होता है। तो अभी उसको ज्यादा भूख लगी, नींद आ रही है। फिलहाल उसके लिए दो कचौड़ी बनाओ। हाँ उसके लिए पूड़ी बनाते हैं। तो विराज को लगी थी भूख और विराज ने अपने लिए पनीर की सब्जी और काजू कतली और वो खा रहा है। कैसा लग रहा खाना? बहुत भूख लगी थी क्या? दादी का कचौड़ी बना रही थी अभी। हाँ। तो यहाँ पे बाकी सब कुछ हो गया है। पनीर बन गया है, यहाँ पुलाव बन गया है, यहाँ कचौड़ी का वो है, छोले खोलेंगे और ये आटा मम्मी मार रही है कचौड़ी के लिए। और मैं यहाँ पे रख देती हूँ, ये दाल है। तो यहाँ पे खाना लगभग बन गया है। ये छोले मम्मी के बन गए हैं बिल्कुल एकदम रेडी। ये पनीर बन गया है और ये लच्छा सैलड है। जिन लोगों को नहीं पता, ये इसमें गाजर, मूली और प्याज, टमाटर, अदरक ये सब डाल के बनता है। ठीक ठीक। हाँ तो ये सलाद बन गया। विराज का खाना हो गया है, वो खाएगा। और मम्मी इधर तैयारी कर रही है। यहाँ पे पुलाव हो गया है, कचौड़ी बन रही है। कचौड़ियाँ इनको ज्यादा अच्छी लगती है। डायबिटीज होने के बावजूद भी कचौड़ी खाना ज्यादा पसंद है। डॉक्टर जितना मना करते हैं उससे दूर ना खाते हैं। हम त्योहार में तो खाना ही पड़ता है। डॉक्टर कैप्सूल एक और जाला कचौड़ी वाला नहीं, उन्होंने कहा कैप्सूल तो उसी हिसाब से खाओ लेकिन कचौड़ी जरूर खाना। एक कैप्सूल कचौड़ी का है, कोई बात नहीं खाना। और यहाँ पे रायता बना रहे हैं हम, खीरे का रायता। अभी इसमें मसाले वगैरह सब डालेंगे तो रायता भी रेडी हो जाएगा, फिर हम लोग खाना खाएंगे सब। तो खाना हम लोग का रेडी हो गया है। क्या क्या है खाने में? ये है पुलाव है और इधर है पनीर की सब्जी। तो ये पनीर की सब्जी, शाही पनीर है। ये हमारा सलाद है, ये सलाद है लच्छे वाला, शिकू को पसंद है बहुत ज्यादा। और ये है छोले। और ये क्या है? ये हमारा इधर है रायता। अब प्लेट्स लग दी है हम लोग ने ये वाली प्लेट इसलिए दी क्योंकि इतनी सारी चीजें थी, इसलिए हम लोग ने कांच वाली प्लेट ली। और ये मम्मी की कचौड़ी बन गई है, यहाँ पे बहुत सारी बन गई है। बस अब ये बन जाएगी इतनी, तो फिर अब हम लोग सब लोग साथ में खाना खाने बैठेंगे। बस अब चलिए परसते खाना, पापा को बताते। पापा परसते हम, आप लीजिए। हाँ परस रहे हैं। तो पापा यहाँ पे भोग लगाते हुए, पापा सब कुछ भोग लगा के खाते हैं। और ये लड़का यहाँ पे अपना गेम खेलते हुए, 10 मिनट से बस खेलना है। बैठिए पापा, अब सब लोग हम लोग लेते हैं अपना अपना। तो अब हम लोग सब लोग खाना खाने बैठ गए हैं। खाना कैसा बना? अच्छा बना है, बस छोले थोड़े और खड़े खड़े थोड़े बोल रही बाकी खाने में कानून जरूर निकलेगा। वो तो है सही बात, इतना भी कुछ नहीं है, एकदम सॉफ्ट है। इसको देखो ऐसे करोगे तो 1 सेकंड में वो हो जा रहा है। इसमें क्या तुम्हें चाहिए ज्यादा? अगर वैसे कर देंगे ना तो घुट जाते हैं पूरे के पूरे छोले, इसलिए सॉफ्ट है। हाँ सॉफ्ट है एकदम। हाँ सॉफ्ट है, सॉफ्ट है। और साथ में मेरी और वो मम्मी। बाकी ये दो लोग नहीं पीते।
दादी खाना खा रही है मुंह में डाल। जल्दी बताइए हम लोग सब लोग खाना खा रहे हैं और खाना खा लिया है ना। खाना यमी तुम खाओगे थोड़ा सा? नहीं ये देखो गाइस मेरी मम्मी थम्स अप पीती है। फिंगर हटाओ फिंगर हटाओ। हाँ देखो इस पेज में रहती है धीरे धीरे। विराज कैसे होता है? अब विराज सोने जा रहा है। अब विराज थक गया है। विराज का रोना धोना सब कंप्लीट हो चुका है फिनिश। अब ये सोएंगे है ना। कितनी देर सोगे? मुझे नहीं पता 5 मिनट सोए। 5 मिनट नहीं सोया जाता है। थोड़ी देर और। विराज कैसे होता? चलो चलो सो जाओ थोड़ी देर लेट जाओ फिर उसके बाद उठना ठीक है। रेस्ट कर लो थोड़ा। ठीक है सवा 6 पे उठ गया। ये जिस दिन इनकी छुट्टी छुट्टी होती है उस दिन जल्दी उठते हैं। वैसे त्योहार था ना इसलिए था जल्दी उठ के रखे। सो जाता सर इतने में ही हम लोग के साथ तो सो गया था। हाँ तो सो तो जाएगा ही। रात में इसने क्या किया सब चदरा अपना लपेट के दबा भी लिया। हम दोनों लोग चदरा हटा दिए। हाँ यही करता है पता अपना पूरा चदरा ओढ़े हुए इसी लड़के। हम इसीलिए इसको इधर हम लोग दीवार के साइड से लाते हैं। इसका अलग कंबल है उसमें ओढ़ के पूरा घूम के उसे होता है करवट लेता है पूरा लिपट लेता है। ये किसने भेजी बड़े? ये शिम्पू ने भेजी। शिम्पू ने नहीं शिम्पू या उन्होंने भेजी है मामा लोगों ने यति लोगों ने। वाह ये तो अच्छी लग रही है। मम्मी ने इसकी फोटो ले ली है कितनी अच्छी। क्या कर रहे तुम? पापा का चाय चल रहा है स्नैक्स चल रहा है पापा का। मम्मी पूरी कचौड़ी बना रही। हाँ डॉक्टर ने बताया है ना कि तुम खूब कचौड़ी खाओ तो वही तुम बना भी रही हो। अच्छा बंधन उसके बाद तो खाना नहीं सालों साल। हाँ कोई भूखे नहीं थे कचौड़ी नहीं खानी कचौड़ी नहीं खानी। अभी परसों ही परसों बनेगा त्योहार है परसों तुम लोग के लिए तो आप लोग क्या खाएंगे? हम लोग के लिए एक तरीके से यही खाएंगे कहेंगे वो आप बेसन की चाप बना लो कचौड़ी देखो। हम लोग उसके यहाँ गए थे ना जो अजवाइन की पूड़ी बनाई थी प्रिया ने वो खाई थी और आज बहुत दिनों बाद कचौड़ी खाई। ऐसा नहीं है शरीर से ये तो सबका इंसान का अपना अपना शरीर का वो होता है काठी होती है काठी भी होती है अंदर की सहन शक्ति भी होती है। क्या चीज आप हजम कर ले क्या चीज ना हजम कर पाए ये बात है। तो गाइस अभी हम लोग नीचे उतर गए हैं और हम लोग वॉक करने जा रहे हैं। विराज थोड़ी देर नीचे गार्डन में खेल लेगा और हम लोग थोड़ी देर वॉक कर लेंगे अभी ये प्लान है। और आइसक्रीम मिलेगी तो आइसक्रीम खाएंगे ना। हम लोग ने सोचा आइसक्रीम भी खाएंगे जितने मोटे हो जाए। तो बस चलिए देखते हैं आइसक्रीम खाऊं। हाँ तो चलिए फिर हम लोग पार्क में चलते हैं फिर हम लोग मिलते हैं। गैस बंद थी ना? हाँ यहाँ पे ओम चैंटिंग हो रही है। क्यूट बेबी। तो अभी हम लोग बैठ के थोड़ी देर रिलैक्स कर हम लोग रिलैक्स कर रहे हैं और सामने अच्छा सा व्यू है जो कि एंजॉय कर रहे हैं। जैसे लगे रिसॉर्ट में आ गए यहाँ से जाने का। हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो अब हम लोग घर वापस आ गए हैं। मम्मी देखी कीज दे रहे को कार में। देखो थक गए
घर के अंदर जाके एंड कर देंगे। चलो सो गाइज, अभी आपको जैसे कि पता है मैं घर वापस आ गई हूँ, वॉक करके हम लोग वापस आ गए और आज का दिन बहुत अच्छा रहा, हम सब ने बहुत इंजॉय किया और सब बहुत ज्यादा थक गए हैं। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, तभी आपको अच्छे आगे वीडियो और देखने को मिलेगी। और अपने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करिएगा, आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। जब तक ये वीडियो आएगी तब तक तो रक्षाबंधन निकल चुका होगा, बट एनीवेज मुझे बताइएगा आप लोग ने कैसे सेलिब्रेट किया और क्या क्या किया। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।